नमस्कार दोस्तों, ज्ञानधारा अरसोली चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, यदि आप कर रहे हैं रोजगार का इंतजार, तो खत्म होने वाला है ये आपका इंतजार। आपको बता दें, कल शाम को पुलिस मुख्यालय की बैठक में सीएम गहलोत ने राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के पदों की भर्ती की घोषणा की। आपको बता दें, ट्वीट करके देर रात को मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की है कि जल्दी राजस्थान पुलिस में ये भर्तियां की जाएंगी। आपको बता दें, आप बिल्कुल सावधान रहें। YouTube पर बहुत से ऐसे न्यूज़ आपको सुनने को मिलेंगे जिसमें विज्ञापन जारी होने की खबर मिलेगी। आपको बता दें, हमारे चैनल पर आपको बिल्कुल ऑथेंटिक और प्रमाणिक जानकारी ही मिलेगी। दोस्तों, बिल्कुल भी आपको भ्रमित नहीं हुआ है, आपको क्लियर कर देते, अभी तक कोई भी ऐसी आधिकारिक विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। केवल सीएम ने एक संकेत दिया है कि ये भर्ती आने वाली है। तो दोस्तों, आपके लिए अच्छी खबर है, इसलिए आप तैयारी में बिल्कुल जुट जाएं। यदि आप हमारे चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं, तो इस प्रकार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, ये राजस्थान के बेरोजगारों के लिए, परीक्षार्थियों के लिए समर्पित चैनल है, जिसमें आप शिक्षा और रोजगार से जुड़ी हुई उन तमाम खबरों को आपके सामने लेकर आते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण होती हैं, आवश्यक होती हैं। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अब हम ले चलते हैं आज की खबर की तरफ। तो दोस्तों, हम आपको पहले ही कह चुके हैं, अभी कोई आधिकारिक विज्ञापन जारी नहीं हुआ है, लेकिन आपको बता दें, भर्ती जल्द ही आने वाली है, इसलिए आपको बिल्कुल तैयार रहना है और हमारा काम है आपको पहले ही सचेत करना। जैसे ही सीएम का ट्वीट आया, हमने आपके सामने ये रख दिया। आपको दिखा दें, बिल्कुल ये ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है सीएम अशोक गहलोत जी का, जिसमें उन्होंने पुलिस मुख्यालय में पुलिस विभाग की उच्च स्तरीय की बैठक चल रही थी देर रात को, उसी बैठक में उन्होंने रिक्त पदों को भरने के लिए 8600 कांस्टेबल और इसी के साथ में 706 सब इंस्पेक्टर के पदों को भरने की बात कही। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया भी शीघ्र जारी की जाएगी। इसके संबंध में आपको बता दें कि पुलिस विभाग से रिलेटेड सीएम ने काफ़ी और भी इंस्ट्रक्शन दिए, और भी उनके ट्वीट आए हैं, हम आपको आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर दिखा देते हैं। मुख्यमंत्री का ट्वीट आया है कि पुलिस का काम सुरक्षा देना है, यदि पुलिस कस्टडी में ही मौत होती है तो दोषी पुलिसकर्मियों को केवल निलंबित करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आपको बता दें कि पुलिस विभाग की बैठक में सीएम गहलोत के काफ़ी ट्वीट आए हैं, जिनसे हम आपका परिचय करा देते हैं, जो जो आपके लिए आवश्यक है। इसी के साथ उन्होंने पुलिस अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि एसपी अपने अधीनस्थ पुलिस कर्मियों के आचरण, व्यवहार और उनके कार्य का मूल्यांकन समय समय पर कर इसकी रिपोर्ट पुलिस महानिदेशक को नियमित रूप से भेजें। इसी प्रकार आईजी अपनी रेंज के सभी पुलिस अधीक्षकों की रिपोर्ट पुलिस महानिदेशक को भेजें। प्रत्येक 4 माह में सीएम स्तर पर इनकी समीक्षा की जाए। तो ये कुछ और भी दोस्तों काफ़ी ट्वीट हैं सीएम के, जो कि देर रात को आए हैं। तो ये ट्वीट आपको बताने का हमारा मकसद यही है कि आपको बता दें, आपको बिल्कुल सावधान रहना है। YouTube पर काफ़ी ये चर्चाएं भी चल रही हैं कि विज्ञापन जारी हो गए। आपको बता दें, विज्ञापन अभी जारी नहीं हुआ है। दिल्ली पुलिस और राजस्थान पुलिस दोनों ही विभागों में, आपको बता दें, पुलिस कांस्टेबल के पदों पर भर्ती निकलने वाली है। दिल्ली पुलिस भर्ती के संबंध में यदि आप जानकारी लेना चाहते हैं, तो इसके संबंध में आप संपूर्ण जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, उस वीडियो को देख करके कर सकते हैं। इसी के साथ ऊपर आई बटन में भी क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण खबर थी, समाचार था, अपडेट थी आपके लिए, जो हम लेकर तुरंत हाजिर हुए हैं। दोस्तों, इसी प्रकार की शिक्षा विभाग से संबंधित, रोजगार से संबंधित तमाम जानकारी आप अति शीघ्र पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें, क्योंकि नोटिफिकेशन आपके पास तभी आ पाएगा जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।